और उनके घावों पे मरहम लगाने के बजाय प्रधान मुख्यमंत्री जी ऐसे जो बयान दे रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, ये सरकार इसमें संलिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जो मौत हुआ है उसका जवाब देना। और आप इतना संवेदनहीन सरकार, आज तक इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री हम लोग नहीं देखे। जो बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की अगुवाई में, समर्थकों की अगुवाई में तमाम विधायक जो हरभवन मार्ग की तरफ कूच कर रहे हैं, हरभवन मार्ग पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ विधायकों ने कहा वो भी आपको सुनाएंगे। अब देखिए वीडियो जिस प्रकार से बीजेपी का जो है राजभवन मार्ग छपरा में जो जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई है, उसके बाद जो है लगातार बीजेपी आक्रोश में चले नहीं दे रही है। तमाम जो है विधायक लगे हुए हैं, तमाम विधायक जो है देख सकते हैं मार्च में शामिल हैं। जी अब क्या होगा आप लोग कल हम लोग पैदल मार्च करके महामहिम के पास जा रहे हैं। ये सरकार अराजकता फैला रही है, गुंडागर्दी कर रही है, सदन के अंदर विरोधियों का सम्मान नहीं कर रही है और आम जनता का जो मुद्दा है, जो जहरीली शराब से मौतें हुई है 200 से ऊपर आंकड़ा पार है। हम लोग आने के बाद बृहद आपको बैठ देंगे। अभी हम लोग महामहिम के पास जा रहे हैं। चलिए, राजभवन मार्च जो है वो जा रही है, बीजेपी के विधायकों का तस्वीर आप चित्रों पर देख सकते हैं। नीतीश कुमार हाय हाय बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्या विरोधी बलात्कार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्या विरोधी बलात्कार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश साथ हैं आलू जी, राजभवन मार्च के लिए निकले हैं लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं पियोगे तो मरोगे शराबबंदी। देखिए इतना संवेदनहीन सरकार, आज तक इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री हम लोग नहीं देखे। जो जिस प्रकार की भावना व्यक्त कर रहे हैं अपने कमियों को छुपाने के लिए, सरकार के तरफ से संपोषित या शराब बिक्री हो रहा है। आज भी हमारे प्रतिपक्ष नेता जब वहाँ गए हम लोग तो वहाँ कह रहा था कि सरकार थाना के माध्यम से यहाँ सरकार बिक रहे हैं, ऐसा शराब बिक रहा है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। ये भी बातें सामने आ रही है, जो स्प्रिट रखी हुई थी थाने से वो गायब है, वो भी गायब है। और हम लोग जब इसकी आवाज सदन में उठाना चाहते हैं, हम लोग की आवाज को दबाया जाता है जी। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, जो ये बंद, ये कानून शराबबंदी खत्म होना चाहिए, इसका वर्तमान जज से न्यायिक जांच होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग ये मांग कर रहे हैं। देखिए तो बीजेपी के मिल है, अब तस्वीरों में विधानसभा से जो है राजभवन तक का जो है मार्च वो चल रहा है।
बीजेपी का राजभवन मार्च जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। तारकिशोर जी, क्या है महामहिम राज्यपाल से मिलकर कल इतना जो भयावह स्थिति हम सबों ने देखा है, उन सारी बातों को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर इन सारी बातों को रखेंगे और सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं नीतीश कुमार द्वारा ये कहा जा रहा है जो क्या कहते हैं शराबबंदी जो है लागू ही रहेगी, सख्ती से लागू रहेगी। नहीं, उसके लिए तो उसके तो पक्षधर हम सब भी हैं, लेकिन उनका तंत्र मिला हुआ है और इसे लागू नहीं करने देना चाह रहा है, उसी के कारण ये सारी परिस्थितियाँ बनी। तो देख सकते हैं जो जहरीली शराब से जो छपरा में मौत हुई उसके बाद जो है राजभवन मार्च बीजेपी के विधायकों का जो है वो जारी है। वैसे में तमाम विधायक जो वो है अमर सिंह बचोल जी है। बचोल जी, राजभवन मार्च के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे विधायक लोगों को? विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं सरकार जी, इसलिए हम लोग राजभवन मार्च करते हैं। अच्छा, कल विधायकों की बैठक हुई जदयू की, उसमें कहा गया जो शराबबंदी लागू है लागू ही रहेगी। जो शराबबंदी उनको भी नाश कर दिया। तो चलिए देखिए, ये बचोल जी थे, ऐसे ही तमाम जो विधायक हैं वो राजभवन मार्च की तरफ कुछ करके राजभवन मार्च जो है वो चल रहा है। प्रमोद कुमार जी, राजभवन मार्च के थ्रू क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजभवन मार्च कर रहे हैं, अब देखिए ये सीबीआई से जांच हो, न्यायिक जांच हो, ये सरकार इसमें संलिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जो मौत हुआ है उसका जवाब देना। और आप कुर्सी भी पटके हैं गुस्से में आज। देखिए, ये सदन की जो गूंगी सरकार है जी, बाहरी जो अध्यक्ष है जी, जिनको विधानसभा नियमावली में स्पष्ट दर्ज है जी, कि संवेदनहीन मामला होता है, संवेदनशील मामला होता है जी, तो इस पर जो है बहस कराना चाहिए जी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर बहस नहीं कराया है और सदन को चलाकर ये सरकारी पार्टी का कार्यालय बना दिया है। आपको नहीं लगता इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं कि शराबबंदी पर चीजें तमाम चीजें बरकरार रही है, मौतें हो ही रही है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसका इसकी जांच कराओ। जो जिम्मेवार सरकारी अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, चौकीदार है, थानादार है, पुलिस का आला कमान है, उस पर कार्रवाई करो जी। गृह मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री है। तो देखिए, राजभवन मार्च जो है बीजेपी का वो जारी है, विधानसभा से जो है राजभवन तक का तमाम जो सदस्य हैं वो राजभवन मार्च में शामिल हैं। हमारे साथ देवेश जी हैं। देवेश जी, राजभवन मार्च कर रहे हैं और लेकिन नीतीश कुमार जी जो है शराबबंदी को लेकर के ये उन्होंने कल जो बैठक भी है उनके पार्टी का, उनमें ये कहा गया है जो लागू है लागू ही रहेगा सख्ती से, लेकिन मौतें भी हो रही फिर शराब से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बिहार में ये जो घटना हुई है जी, इसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और ये अधिकांश इसमें गरीब लोग जी, और उनके घावों पे मरहम लगाने के बजाय प्रधान मुख्यमंत्री जी ऐसे जो बयान दे रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा जी, इतने पियोगे तो मरोगे, हाँ जी, इतने संवेदनहील हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री का काम होता है लोगों के गांव में मरहम लगाना, लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं, और ऐसे बयान अगर कोई मुखिया देता है प्रदेश का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मांग है, हमें उनमें संवेदनशीलता खत्म हो गई है और हमारा मानना कि समय आ गया है कि उनको पद त्याग करके आश्रम में चले जाना चाहिए। चलिए, तो ये देवेश जी हैं, ये कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी को पद त्याग आश्रम चला जाना चाहिए। ऐसे ही जो और भी जो सदस्य हैं वो तरफ जो है कुछ कर गए, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, लगातार तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं कि जो तमाम जो सदस्य हैं बीजेपी के वो स्वर्णा जी राजभवन मार्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो आपकी जो बीजेपी ये कर रही है, सरकार कुछ इस पे एक्शन लेगी? बिल्कुल, उनको लेना पड़ेगा। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ, घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।